क्लास नेक्स्ट हमारा चैप्टर है फोर्थ चैप्टर, इसमें हम मल्टीपल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे टू का मल्टीपल कौन होता है, टू होता है, फोर होता है, सिक्स होता है, ठीक है, जो उसके टेबल में आते हैं, ठीक है। अगर आप उस नंबर को, जैसे मैं आपको थ्री का मल्टीपल पूछती हूँ, तो अगर आप थ्री को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। राइट द, तो आपका जो फोर्थ ए का फर्स्ट सम है, राइट द फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स, हमने इनके पहले पांच पांच मल्टीपल्स लिखने हैं, तो वो आप कैसे लिखोगे, जैसे फोर इंटू वन, पहले फाइव बोला गया तो पहले फाइव ही लिखेंगे, पहले फोर को वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर टू, फिर थ्री, देन फोर, देन फाइव, ठीक है। तो ये आपने फोर के टेबल में जो पहले उसके मल्टीपल आते हैं, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट फाइव पूछा ना, तो जो फोर के टेबल में फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स आते हैं वही इसका आंसर होएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेवन का, तो सेवन को भी आपने उसके फर्स्ट पहले पांच मल्टीपल्स लिखने, पहले पांच मल्टीपल कैसे लिखोगे, सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन, सेवन फोर ज़ा ट्वेंटी एट, सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव, तो ऐसे करके आपने मल्टीपल्स लिख लेने हैं। नेक्स्ट आपका राइट द फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स, जो आपका सेकेंड सम है वो भी सेम ही है, उसमें भी आपने फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ही लिखने हैं इनके, तो उसका भी आप एक सम देख लो, जैसे फाइव का उन्होंने बोला गया, ठीक है, तो फाइव वन ज़र, फाइव टू ज़र, फाइव थ्री ज़र, फाइव फोर ज़र एंड फाइव फाइव ज़र, ठीक है। तो ये ऐसे आपने इसके फाइव मल्टीपल्स लिख देने हैं। नेक्स्ट जो आपका सम है, चेक इफ़, वो बोलते हैं चेक करो कि जो 685 है वो मल्टीपल है 15 का। इसका मीनिंग कि अगर हम 15 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई आप करते हो, ठीक है, तो 685 आएगा या नहीं आएगा, आपने यही चेक करना है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम इसे डिवाइड करके देख लें, ठीक है। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कैसे, टू चेक इट इट डिवाइड बाय, कैसे चेक करोगे, डिवाइड कर देते हैं इसके साथ, ठीक है। तो वो अगर आप डिवाइड करोगे तो 15 के टेबल में 68 तो नहीं आता, ठीक है, और 68 किससे छोटा क्या आता है, 60 आता है, वो किस नंबर पे आता है, फोर नंबर पे आता है, तो माइनस करोगे, 8 में से 0 गया 8, 6 में से 0, 6 गया 0, तो ऊपर से 5 नीचे उतार सकते हो, अब क्या बन गया 85, तो 5 के टेबल में 85 नहीं आता, 85 से कम क्या आता है, 75 आता है, तो 85 में से अगर आप 75 को माइनस करोगे क्या बन जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 7 गया 1, तो आपके पास रिमाइंडर बच गया। अगर रिमाइंडर बच जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो उसके टेबल में नहीं ना आता, जो भी आपका डिविडेंड है वो डिविजर के टेबल में नहीं आता, तो उसका मीनिंग जो 685 है वो 15 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हुआ, 685 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 15। ऐसे ही आपने जो फोर्थ आपका सम उसको चेक करना है, 3180 वो पूछ रहे हैं कि 9 का मल्टीपल है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं बाय द 9। अब डिवाइड करके देख लेना इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, आपका 3 आ रहा है। अगर रिमाइंडर आ रहा है तो उसका मीनिंग वो उसके टेबल में नहीं जा रहा, 3189 के टेबल में नहीं जा रहा है, तो उसका मीनिंग जो ये टर्म है इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9।